बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शॉपिंग शेयर करूँगी जो कि मैंने दराज से की है। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और वो कैसी आई हैं, किस क्वालिटी की हैं, आइए आपके साथ मिलकर इनको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये परफ्यूम बॉटल है, ये रिफिलेबल है। इसको मैंने दराज से ऑर्डर किया था ताकि ये बैग वगैरह में रखने के लिए, कैरी करने के लिए इजी हो। क्वालिटी देखी जाए तो अच्छी है, कलर भी बहुत प्यारा है, लेकिन साइज़ इसका जितना दराज पिक्चर में मुझे नज़र आ रहा था उतना बड़ा नहीं है। आई थिंक रिफ़िल करने के लिए अब यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप परफ्यूम की बॉटल्स पर यूँ रख के प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगी और फिर इसको आप यहाँ से स्प्रे करके यूज़ कर सकेंगे। आइए मैं आपको इसको रिफ़िल करना बताती हूँ। हम परफ्यूम की बॉटल, इसके ऊपर ये जो स्प्रे लगा होता है इसको ओपन कर लेते हैं और इसको इसके ऊपर रख के और इस तरह प्रेस करेंगे तो ये फिल होती जाएगी यहाँ। ठीक है, काफ़ी इजी है और इजी टू कैरी भी है। मेरी सेकंड प्रोडक्ट है ये ब्रशेस। ये वायर ब्रश सेट था, 3 पीस थे इसमें और इसको मैंने ऑर्डर किया था किचन में यूज़ के लिए, चूल्हे वगैरह साफ़ करने के लिए ताकि इजी हो जाए, जहाँ तक आपका हाथ नहीं पहुँचता या आपका स्पंज वगैरह यूज़ करके आप साफ़ नहीं कर सकते तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे देखने में और थोड़े हार्ड हैं, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया कि किचन में सफाई के लिए और चूल्हे वगैरह को साफ़ करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा ये। आइए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ये वाला थोड़ा सॉफ्ट है, 3 डिफरेंट कलर्स में है। ये वाला थोड़ा सॉफ्ट है और ये स्टील वायर्स हैं, ये काफ़ी हार्ड है। और ये गोल्डन कलर में है, कॉपर, ये भी काफ़ी हार्ड है। इसे जो चूल्हे पे स्टेन्स वगैरह होते हैं उसको इजीली साफ़ किया जा सकता है। ये थर्ड प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर की थी वो ये थी, हैंगिंग थी। ये वैसे तो उन्होंने दी हुई थी चमचे वगैरह हैंग करने के लिए, किचन में यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने उसी लिए ऑर्डर की थी। लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बस नॉर्मल क्वालिटी का है और साइज़ भी बहुत छोटा है, जितना बड़ा पिक्चर में नज़र आ रहा था उतना नहीं था। अब पता नहीं इस पर हैंग होंगे प्रॉपरली या नहीं कुछ, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन क्वालिटी थोड़ी नॉर्मल है और साइज़ छोटा है। थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता ना तो अच्छी तरह ये कैरी कर सकते थे, किसी भी चीज़ को हैंग करते हम। खैर, इसके साथ इन्होंने ये दिए हुए टेप के साथ ये हैंग होगा, कबर्ड में या दीवार पे, टाइल्स वगैरह पे आप हैंग कर सकते हैं इसको। और ये इसके साथ क्लिप है होल्ड करने के लिए, इसको ऐसे होल्ड करेंगे। आप इसको ऐसे भी हैंग कर सकते हैं स्ट्रेट, और आप इसको दीवार के ऊपर लगा के और ऐसे भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब देखते हैं मैं इसको कहाँ यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये मैंने कुछ फ्लावर वॉल ऑर्डर किए थे, देखने में तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन इनका भी साइज़ काफ़ी छोटा है और कलर तकरीबन सेम ही आ गए हैं। ये दो कलर सेम आ गए हैं और साइज़ भी बहुत ही छोटा है, पिक्चर में तो चले फिर भी कुछ ठीक लग रहे हैं लेकिन रियल में इसका साइज़ बिल्कुल ही छोटा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया। खैर, ये चलें यूज़ कर लेंगे कहीं ना कहीं डेकोरेशन में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।